क्यूटीज़। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली मेकअप लुक, सबसे पहले गाइस आपको चाहिए मॉइस्चराइज़र। सो यहाँ पे मैंने सिंपल का मॉइस्चराइज़र लिया है, उसको अपनी फेस पे अप्लाई कर लिया अच्छे से। सो गाइस नेक्स्ट जब हमें चाहिए प्राइमर, सो यहाँ पे मैंने लैक्मे का प्राइमर लिया है, उसको अपनी फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। देन मैंने अपनी आईज़ को भी अच्छे से प्राइम कर लिया है। प्राइमर के बाद गाइस हमें चाहिए फाउंडेशन, सो यहाँ पे मैंने लॉरियल का फाउंडेशन लिया है और मैंने फाउंडेशन अपने फेस और नेक दोनों जगह अप्लाई किया है। उसको अच्छे से मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया है। फिर गाइस यहाँ पे मैंने इनसाइड कंसीलर लिया है, उसको अपने डार्क सर्कल पे अप्लाई किया मैंने और अपने आईलाइड पर भी अप्लाई किया है। देन यहाँ पर गाइस मैंने फेसिस कैनेडा का कॉम्पैक्ट लिया है और उसको अप्लाई करें ताकि मेरे फेस पर कोई भी क्रीज लाइन ना आए। कॉम्पैक्ट लगाने के बाद कई समय चाहिए आई पैलेट, सो यहाँ मैंने स्विस ब्यूटी की आई पैलेट ली है। मैंने एक शेड चूज़ किया, उसको आई शेडो को लगा लिया है। फिर कैसे यहाँ पे मैंने मेबलिन का स्केच लाइनर लिया है, मैंने एक लाइनर बना लिया है अपनी आईज़ के अकॉर्डिंग। फिर कैसे यहाँ पे मैंने लैक्मे का मैंने ब्लश लिया है और बहुत ही अच्छा ब्लश है, मैंने हल्का सा ब्लश अप्लाई कर लिया है। फिर गाइस यहाँ पे मैंने मास्टर कोम का हाइलाइटर लिया है, जहाँ भी मुझे हाईलाइट करना है वहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट कर दिया अच्छे से। गाइस नेक्स्ट स्टेप मुझे चाहिए मस्कारा, सो मैंने मेबलिन का मस्कारा यूज़ किया है। देन यहाँ पे मैंने लिया है स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक, पैन लिपस्टिक, सो उसको अप्लाई कर लिया है। सो अब नेक्स्ट हमें चाहिए एक मुझे सेटिंग स्प्रे, सो यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का सेटिंग स्प्रे लिया है। इट्स ऑल डन। सो अब हम अपनी आईब्रोज कर लेते हैं और इसके बाद गाइस मैंने अपनी ईयरिंग्स पहन ली हैं। सो इट्स ऑल डन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको यू लुक पसंद आया, और यू लुक पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाइएगा। आई लव यू ऑल गाइज, टाटा बाय बाय, स्टे सेफ, बाय, लव यू ऑल।